हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराधा फ्रॉम क्लस्टर नंबर 1। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो हमें बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 लाख को फिगर्स में लिखेंगे। और हमने देखा कि 1 लाख में टोटल 5 जीरोज हैं। अब हम 10,000 को फिगर्स में लिखेंगे। 10,000 और इसमें टोटल 4 जीरोज हैं। अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे एक और जीरो लगानी पड़ेगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितनी जीरोज हो जाएंगी, 5 जीरोज। तो इन दैट केस बोथ विल बी इक्वल। सो इट मीन्स 1 लाख इज इक्वल टू 10 times 10,000। नाउ बी पार्ट इज 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन को हम पहले लिखकर देखते हैं इन फिगर्स। 1 मिलियन में टोटल 6 जीरोज होती हैं, ठीक है। 1 मिलियन मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, राइट। सो इट हैज 6 जीरोज, देन 100,000। 100,000 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी एंड इन दैट केस दोनों में 6 जीरोज हो जाएंगी। सो आवर आंसर इज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000। सी पार्ट, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। इसके लिए हम इन दोनों को पहले फिगर में लिखेंगे और देखेंगे इनमें टोटल कितनी जीरोज हैं। तो 1 करोड़ में टोटल 7 जीरोज हैं एंड इन 10 लाख देर आर टोटल 6 जीरोज। नाउ टू मेक बोथ ऑफ देम इक्वल वी नीड 1 मोर 0 हेयर। दैट इज 10 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। दैट इज यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7 और दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इट मीन्स आवर आंसर इज 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 times 10 lakh। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। इसके लिए हम 1 करोड़ को लिखकर देखते हैं इन फिगर्स। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1,000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 ,
in figures. 1,000,000. तो देर आर टोटल 6 जीरोस. अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और जीरो लगाने की जरूरत है और उसके लिए हम 1,000,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में 7,7 जीरोस हो जाएंगी. तो इट मीन्स वो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो आंसर इज 1 crore इज इक्वल टू 10 टाइम्स मिलियन और 1 crore इज इक्वल टू 10,000,000. नाउ ई पार्ट 1,000,000 इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक. 1,000,000 में कितने लैक होते हैं इसके लिए हम 1,000,000 को लिखकर देखेंगे इन फिगर्स.
1 million is equal to 1 comma 0 0 0 0 0 0. So there are total 6 zeros. अब हम 1 lakh को लिखकर देखेंगे. और 1 lakh में हमें पता ही है there are total 5 zeros. तो यहां पर 6 zeros हैं और यहां पे 5 zeros. अब इन दोनों को हमने सेम बनाना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और जीरो लगाने की जरूरत है और उसके लिए हम लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह पे 6 6 जीरोस हो जाएंगी और दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो आंसर इज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख.